उनकी डिलीवरी बहुत लेट आई. आई वॉज नॉट फ्लैटर्ड, वेरी डिसअपॉइंटेड. हाई गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो. आज की वीडियो है बहुत खास और बहुत ही यूनिक. ऐसी वीडियो मैंने कभी अपने चैनल पे नहीं की है. इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें ट्राई करेंगे, लेकिन ये कोई ऐसी आम चीज़ें नहीं है, ये सारी बहुत खास चीज़ें हैं, क्योंकि ये आपके और मेरे जो फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ है ना, उनके ब्रांड्स की चीज़ें. सो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि भाई जितना यू नो ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हमें लगता है उस हिसाब से उनके ब्रांड्स भी बहुत बढ़िया हैं, या फिर एवरेज हैं, या फिर बिल्कुल ही बेकार हैं. सो आई हैव ऑर्डर्ड वन थिंग फ्रॉम 6 ब्रांड्स. आई हैव एडेड दीपिका पादुकोण्स ब्रांड, अनुष्का शर्मास ब्रांड, सनी लियोनीज ब्रांड, एकता कपूर्स ब्रांड, सैफ अली खान्स ब्रांड एंड ऑल्सो सोनाक्षी सिन्हाज ब्रांड. आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड वो वाले ब्रांड्स जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मार्केट में जिनके बारे में बात नहीं हो रही है, बिकॉज यू नो अ ब्रांड लाइक के बाय कटरीना, बींग ह्यूमन बाय सलमान खान, दे आर ऑलरेडी वेरी मच टॉक्ड अबाउट. सो आई थॉट चलो ऐसे ब्रांड्स को इंक्लूड करते हैं जिससे यू नो आप लोगों को भी जब आप वीडियो देखोगे आपको भी कुछ नए ब्रांड्स के बारे में पता चलेगा, हो सकता है आपको ना पता हो. सो या दैट्स व्हाट आई हैव डन. लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड एंड लेट्स talk about all these Bollywood celebrities owned brands. Let's get started. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं दीपिका पादुकोण की. शी हैज अ फैशन ब्रांड ऑल अबाउट यू बाय दीपिका पादुकोण, एंड ऑल अबाउट यू की ना अपनी कोई वेबसाइट नहीं है, इट इज इन कोलैबोरेशन विद मिंत्रा. सो मिंत्रा एंड दीपिका गॉट टुगेदर एंड फॉर्म्ड अ ब्रांड. तो ये फैशन ब्रांड है एंड यहाँ से मैंने एक सूट मंगवाया है, ब्लैक कलर का प्रिंटेड सूट है ये. शर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ इसमें वो है कि इसका जो नेक है ना वो बहुत सुंदर बनाया हुआ है. इट्स एक्चुअली गिविंग एक इल्यूजन ऑफ अ नेकलेस. तो अगर आप ये पहनते हो ना इसके साथ, मुझे नहीं लगता आपको गले में कुछ पहनने की ज़रूरत है ऐसे स्पेशली हैवी सा कुछ. एंड उसके अलावा प्रिंट बहुत सुंदर है, कम्फर्टेबल है बहुत कपड़ा. इसकी स्लीव्स पे एक अलग से ज्योमेट्रिक प्रिंट है और फ्रंट और बैक पे एक अलग प्रिंट है. इट्स आई थिंक इट्स ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड कुर्ता. और इसकी जो पैंट्स हैं इस पे वो वाला प्रिंट है जो इसकी स्लीव्स पे प्रिंट है, काफ़ी कंफर्टेबल है. इसके पीछे वाली जगह पे पैंट्स के इलास्टिक है और आगे इस तरीके से प्लेन एक बेल्ट है और यहाँ पे साइड में जिप भी है और हुक भी है. सो उससे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है एंड अगर आपका थोड़ा बहुत साइज़ ऊपर नीचे भी है तो इलास्टिक की वजह से आपको वो सेट आ जाएगा. इट्स अ गुड पीस, डेफिनेटली अ थम्स अप फॉर दीपिका पादुकोण्स ऑल अबाउट यू ब्रांड. ओके, सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं अनुष्का शर्मा के ब्रांड की. ब्रांड का नाम है नुश. दे डू हैव देयर ओन वेबसाइट, दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अजियो एंड दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन मिंत्रा. आई वॉज वेरी 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 डिसअपॉइंटेड. ओके, सम ऑफ यू माइट नॉट अग्री विद मी, सम ऑफ यू माइट. अगर आप नुश ब्रांड का जो कलेक्शन है अगर आप वो देखोगे ना यार, आई वॉज नॉट फ्लैटर्ड. मैं सही बता रही हूँ, मैंने एक ना ब्लैक कलर का ये टॉप मंगाया. कौन सी वो कहावत, डूबते को तिनके का सहारा. अब यार ज्योति चूज़ कर ही लिया है नुश ब्रांड से कुछ खरीदना और वीडियो में इंक्लूड करना, तो चल कुछ तो खरीद ले यार. तो जाके मतलब मुझे ऐसे लगा अच्छा चल ठीक है, ये ही ठीक लग रहा है बस. या तो मेरी चॉइस काफ़ी अलग है फ्रॉम व्हाट शी इज़ एक्चुअली सेलिंग. मतलब मुझे ऐसे लगा पता नहीं कौन से बाबा आदम के ज़माने के कपड़े थे नुश ब्रांड पे. आई डिड नॉट लाइक अ सिंगल पीस, सो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड दिस. नाउ व्हेन इट केम टू मी, सरप्राइजिंगली दिस टॉप लुक्ड वेरी गुड ऑन मी. पहनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा. और ये टॉप वो है जो धुल भी चुका है बाय द वे, क्योंकि मैं इसे पहन के गई थी, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, आके मैंने धो दिया था इसको. बहुत ही अच्छा फैब्रिक निकला इसका और बहुत ही सुंदर ऐसे गला था और यहाँ पे ये जो वाइट कलर की ऐसे डिटेलिंग हो रखी है ना स्लीव्स पे भी और यहाँ पे भी, वो काफ़ी अच्छी लगी. एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी ये बहुत ही कम्फर्टेबल कपड़ा है. इट्स लाइक अ स्ट्रेचेबल, वो हॉजरी वाला कपड़ा होता है ना, तो धो के मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं ऐसे लटक फटक ना जाए, बट सही में यार क्वालिटी वहीं की वहीं है. ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. ओवरऑल माय एक्सपीरियंस वाज ओके, बिकॉज जो चीज मैंने खरीदी वो मेरे लिए वर्क कर गई थैंकफुली. सो एटलीस्ट मेरे पैसे वेस्ट नहीं हुए. सो आई हैड गिव इट अ 5 out of 10 ओनली बिकॉज दे डोंट हैव गुड कलेक्शन. सो दिस वाज द नेक्स्ट थिंग. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दिस विद यू बिकॉज आई एम kind of sure that not a lot of people know about this brand, जो कि सैफ अली खान का ब्रांड है. नहीं पता था ना, नहीं पता था ना, मुझे भी नहीं पता था ये वीडियो करने से पहले. जब मैं रिसर्च कर रही थी इस वीडियो को लेके तब मुझे पता चला ओके सैफ अली खान का अपना एक ब्रांड है जिसका नाम है ओड बाय हाउस ऑफ पटौदी. हाउस ऑफ पटौदी तो आपको पता ही है, वो पटौदी के मतलब है ना, रॉयल फैमिली से हैं. सो उन्होंने उसी चीज़ को यूज़ करके हाउस ऑफ पटौदी यूज़ किया है. सिंस
they are from a royal family and you know they're actually royal yaar matlab look at Saif Ali Khan jo wo khud bhi dress up jis tarike se karte hain so I was actually expecting some royalty fir maine cheez jo mangayi I'm so happy with this it's a ब्यूटिफुल कुर्ती यहाँ पे बारीक से स्ट्रैप्स हैं आई लव द कलर रॉयल लग रहा है मेरे को ये या फिर मेरे दिमाग में घुस गया कि क्योंकि हाउस ऑफ पटौदी से है तो शायद मेरे दिमाग में घुस गया बट मुझे सही में बहुत अच्छा लगा ये जस्ट अ कुर्ती इसके साथ कोई पैंट्स कुछ भी नहीं है सो आई पेयर्ड इट विद अ ब्लैक जीन्स एंड आई थिंक इट्स लुकिंग फाइन बट आई थिंक वाइट के साथ अगर मैं इसे पहनूंगी ना तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा आई थिंक आई वुड लाइक टू स्पॉट इट विद आइदर ब्लैक अगर मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रही हूँ अदरवाइज आई कैन स्पॉट इट विद अ नाइस वो जो डार्क पिंक कलर होता है ना उसके साथ लाइक पिंक के साथ कितना अच्छा लगेगा ये एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं सो अगर आपको नीचे ऊपर कुछ करना है तो आप कर सकते हो सो कंफर्टेबल कपड़ा इट्स ब्यूटीफुल मजा आ गया इसको पहन के एंड इट लुक्ड सो 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 गुड ऑन मी एंड Honestly speaking, it is not like it was just this kurti that I liked. जैसे नुश पे मुझे ऐसे हुआ They had a really really good collection और उनका home decor का collection तो बहुत ही sexy था Sexy से ज़्यादा कहूँगी royal था Actually, cushion covers and all of that were so classy and so affordable also. I am really looking forward to buy more things from this brand. Okay, moving on to the next thing. विच इज़ एकता कपूर मैम जो हैं उनका एक ब्रांड है एकता कपूर जिनको नहीं पता है बॉलीवुड सेलिब्रिटी आप लोग बोलो कि एकता कपूर कौन है शी इज़ अ प्रोड्यूसर ओके द ओनर ऑफ बालाजी टेलीफिल्म जस्ट इन केस यू डिडंट नो एंड दे आर मोस्टली इन टू होम डिकॉर लाइक दे हैव बेड शीट्स वासेज मग्स सो मुझे ऑनेस्टली यार मुझे ना ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था होम डिकॉर बिकॉज यू गाइज नो मैं कितनी चीज़ें ऑलरेडी अभी आइकिया से खरीदी हैं स्टूडियो बनाया बहुत डिकॉर खरीदा है सो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था नहीं यार नॉट एनी मोर डेकोर सो आई थॉट चलो आई ऑर्डर समथिंग दैट इज एक्चुअली यूजफुल फॉर मी सो अ मग वॉज समथिंग जो मुझे उस टाइम पे लगा कि चलो ये ऑर्डर करते हैं अब मैं इसकी ना खास बात बताती हूँ आपकी एक तो ये हैंडमेड है अच्छा उसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि ये हैंडमेड है और ये लोकल आर्टिसंस ने बनाया है तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल 6 मग खरीदना चाहो और एक सेट क्रिएट करना चाहो तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट 6 कप्स वुड नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम बिकॉज दे आर हैंडमेड सो आई थिंक दैट वॉज अ ब्यूटिफुल थिंग मतलब मुझे पता है कि ये हाथ से किसी आर्टिस्ट ने कप बनाया जो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी पता नहीं क्यों अपने आप ही इसके अंदर ना इमोशंस फील होने लग गए मुझे इस मग के अंदर सही में बता रही हूँ मतलब वो जो मशीन मेड मग्स होते हैं हाँ ठीक है बट इसमें मुझे इमोशन दिखने लग गया लाइक किसी के हाथों ने बनाया इसे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी बहुत सुंदर कलर है और इसका जो हैंडल है वो काफ़ी डिफरेंट है ऐसे गोल नहीं है काफ़ी तिकोना सा है और अंदर ये एक डिफरेंट कलर का है और यहाँ पे आप देखोगे थोड़े बहुत पैचेज हैं बिकॉज ऑब्वियसली इट्स हैंडमेड तो थोड़ा बहुत ना लाइक देर विल बी फ्लॉज तो वो ब्रांड ने लिखा हुआ था कि देर विल बी यू नो थिंग्स जो आप नोटिस करोगे इट विल नॉट बी अ परफेक्ट पीस बट आई एब्सोल्युटली डोंट माइंड इट द ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू मैंशन इज दैट दिस मग इज नॉट माइक्रोवेवेबल सो मैं क्या करती हूँ मैं बनाती नॉर्मल मग में हूँ क्योंकि यहाँ स्टूडियो में माइक्रोवेव में ही बनती है मेरी चाय अभी तक तो मैं बनाती हूँ और उसके बाद इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एंड आई रियली एंजॉय माय चाय इन दिस सो दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग फ्रॉम एकता कपूर्स ब्रांड ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांड जो कि है सोनाक्षी सिन्हा का ब्रांड जो कि एक्चुअली मोस्ट रिसेंटली ओपन्ड ब्रांड है वो ब्रांड का नाम है सो ईजी सो पीपल लाइक मी हु गेट एक्सटेंशंस डन ओवरलेज डन वो एक अलग होते हैं बट कई लोग होते हैं जो उन्हें ये नहीं करवा सकते उन्हें लगता है कि नहीं यार हमें कभी कभी चाहिए बड़े नेल्स कभी हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं अदरवाइज हमें नेल्स नहीं चाहिए हमें तो भाई घर के काम करने हैं बट ये जो मैं नेल्स कराती हूँ ना ये आप ऐसे नहीं है कि लगा लो उतार लो ये तो हो गए तो हो गए तो वहाँ पर आते हैं ऐसे नेल्स काम सो इनके पास दो तरीके के थे एक तो था रेडी टू वेयर किट और एक था जिसमें आपको थोड़ा बहुत काम वाम करना पड़ेगा और चिपकाना विपकाना पड़ेगा मैंने मंगाए रेडी टू वेयर किट इसमें आपको पहले तो नेल्स मिलते हैं नाउ द वेरी वेरी गुड थिंग दैट दे हैव डन इज दैट वैसे तो हमारे 10 नेल्स होते हैं राइट बट उन्होंने 10 यहाँ लगाए हैं लेकिन अगर आप डब्बा खोलोगे तो अंदर 10 नेल्स और मिलेंगे यार सो क्यों है ऐसा मान लो आपने ये लगाया हुआ है कहीं उतर गया ढंग से लगा नहीं था हाथ लगा कहीं पे खो गया तो यू विल स्टिल हैव एक्स्ट्रा नेल अभी वो भी खो दोगे तो वो आपकी प्रॉब्लम है बट अदरवाइज उन्होंने करा है कि मतलब उन्होंने 10 के प्राइस में आपको 20 नेल्स दिए हैं दैट्स अ वेरी गुड थिंग द नेक्स्ट थिंग दैट यू गेट इज क्यूटिकल पुशर लगाने से पहले जो आपके ये क्यूटिकल्स होते हैं ना आप इसको ऐसे पीछे पुश करते हो और साथ में आपको मिलती है ये ग्लू तो इसको आप पहले अपने नेल पे लगाते हो और फिर उसके ऊपर ये नेल चिपकाते हो तो नेल आराम से चिपक जाता है सो इसको मैं लगा के तो आप लोगों को दिखा रही हूँ बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट नीचे वाले नेल्स दिखेंगे क्योंकि ये मेरे नेल्स ऑलरेडी हो रखे हैं ओवरलेज हो रखे हैं मेरे इसलिए अगर ये ओवरलेज
रिप्लेस नहीं हुई होती ना और मैं इसे अपने ओरिजिनल नेल बेड पे लगा रही होती तो जो नीचे का ही आपको नेल इस वक्त दिख रहा है ना वो भी नहीं दिखता और बहुत ही क्लीन लुक होता। बट अभी मेरे नेल्स हो रखे हैं सो ऑब्वियसली देर इज़ नो ऑप्शन, बट अदरवाइज दे लुक मच बेटर विदाउट दी ओवरलेज। सो दिस इज ऑल दैट यू गेट इन दिस किट। नाउ आई ऑर्डर्ड दीज नेल्स फ्रॉम देम, हुआ ये कि इनकी डिलीवरी बहुत लेट आई, लाइक लिटरली 12 से 15 दिन लिए एंड आई वॉज लाइक कि भाई साहब मुझे वीडियो शूट करनी है, मेरा सिर्फ एक यही चीज़ रह गई, लाइक सबकी चीज़ें 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में आ गई और ये आए ना भाई साहब। फिर ना आई लेफ्ट अ मैसेज टू देम कि भाई क्या सीन है, बहुत दिन हो गए हैं। आई थिंक इट वॉज द मैनेजर हु आई वॉज स्पीकिंग टू एंड शी टोल्ड मी हाउ देव जस्ट रिसेंटली ओपनड एंड देव ऑब्वियसली गॉट अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स एकदम से, विच आई वॉज श्योर ऑफ ऑब्वियसली आएंगे, तो इसलिए उन्होंने मुझे पर्सनल लेवल पे ऐसे बोला कि मतलब थोड़ा सा अगर यू नो थोड़ा सा लेट हो रहा है तो वी आर सॉरी अबाउट दैट, विच इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल क्योंकि यार कल को अगर मैं भी अपना ब्रांड खोलती हूँ तो मेरे साथ भी होगा यार, मतलब जब इतने सारे ऑर्डर्स इकट्ठे आते हैं ना तो लॉजिस्टिक्स की लग जाती है एकदम, बहुत बुरा हाल हो जाता है। एंड एक्चुअली मैंने ये ऑर्डर तभी प्लेस किया था, लाइक आज शी लॉन्च द ब्रांड एंड नेक्स्ट डे आई ऑर्डर्ड, सो आई अंडरस्टैंड, बट अदरवाइज नेल्स आर सो गुड क्वालिटी। मैंने 3 नेल्स मंगवाए हैं इनसे, सो वन इज दिस, जो सेकेंड सेट मैंने मंगवाया वो है क्लासिक फ्रेंच एंड एक और मैंने फ्रेंच में मंगवाया है जो आपको एक्चुअली सेम लग रहा होगा बट ये एक्चुअली सेम नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है कलर का, लाइक एक थोड़ा पिंकिश बेस है और एक का थोड़ा न्यूड ब्राउन बेस है, सो दैट्स दी ओनली डिफरेंस। ऑल इन ऑल आई लव्ड इट, पैकिंग बहुत सुंदर है, बहुत स्लीक है, इट्स नॉट लाइक कि बहुत जगह घेरेगा, सो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आपको लगता है फॉर एग्जांपल शादी अटेंड करने जा रहे हो आपको लगता है नेल्स वहीं जाके लगाऊंगी तो आप इजिली इसको कैरी कर सकते हो एंड दे आर वेरी अफोर्डेबल, बिकॉज मैंने पहले भी एक यू नो नेल्स ब्रांड से एक नेल्स का ऐसे सेट खरीदा हुआ है, इट वॉज सो एक्सपेंसिव, आई थिंक आई बॉट इट फॉर अराउंड 3,000 rupees, बट दे आर वेरी अफोर्डेबल उस हिसाब से, 999 का वेरी गुड यार, मतलब एंड यू गेटिंग ग्लू क्यूटिकल पुशर एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई थिंक ऑल इन ऑल थम्स अप फॉर सो ईजी। ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांड जो कि है सनी लियोनी का ब्रांड। नाउ सनी लियोनी ओन्स अ मेकअप ब्रांड जिसका नाम है स्टार स्ट्रक बाय सनी लियोनी, वहाँ से मैंने एक लिपस्टिक मंगाई और एक लिप लाइनर मंगवाया। सो जो लिप लाइनर है उसका नाम है स्टार स्ट्रक लॉन्ग वेयर लिप लाइनर इन द शेड कैरामेलो एंड जो लिपस्टिक है उसका नाम है स्टार स्ट्रक इंटेंस मैट लिप कलर शुगर प्लम शेड। लेट्स अप्लाई दिस लिपस्टिक एंड सी के कैसी फील है। This is how the lip liner and the lipstick is looking like. Honestly speaking, I am not impressed with the lip liner. It was not very creamy. I like my lip liners creamy so that मैं बहुत आराम से you know एक outline create कर सकूँ अपने lips पे. But अगर वो इतने थोड़े dry से feel होंगे तो मुझे बहुत रगड़ना पड़ेगा अपने lips पे liner को. So I expect my lip liners to be creamier than this at least and also because of the price ये कुछ 400 रुपए से भी ऊपर का lip liner है but उस हिसाब से यार work भी करना चाहिए so I'm not impressed with the lip liner however I am very impressed with the lipstick because again for this price because usually आजकल जो अच्छी lipsticks हैं यार वो अब 1,000-1,500 रुपए की भी आती हैं and I'm not even talking about MAC एंड ऑल ऑफ दैट, MAC तो और एक्सपेंसिव है बट लाइक अगर आप शुगर की लिपस्टिक्स भी देखो तो आराम से 1,000-1,200 रुपये तक पहुँच रही हैं सो उस हिसाब से ये लिपस्टिक जो है वो मुझे मिली है कुछ 650 रुपये के आसपास की, उस हिसाब से आई लव द लिपस्टिक एंड वेरी क्रीमी वेरी कम्फर्टेबल एंड एक्चुअली आई लाइक द शेड ऑल्सो। लिपस्टिक को लगे काफ़ी अच्छे खासे सेकेंड्स हो चुके हैं बट मैट होना होता तो हो जाता बट इससे ज़्यादा मैट मुझे लगता है नहीं होगा। सो जिस हिसाब से इसका नाम है इंटेंस मैट लिप कलर, आई वुडंट से इट्स इंटेंस मैट बिकॉज इंटेंस मैट से मुझे समझ में आएगा दैट
इट्स लाइक कम्प्लीटली मैट बट इट हैजंट टर्न्ड मैट अभी तक भी. लिपस्टिक के लिए डेफिनेटली थम्स अप एंड लिप लाइनर के लिए थम्स डाउन. सो दिस वॉज द लास्ट ब्रांड जिसकी हमें चीज ट्राई करनी थी. द ओनली ब्रांड दैट आई वॉज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद वॉज अनुष्का शर्माज नुश ब्रांड. अदरवाइज आई लव द एकता कपूर का कलेक्शन. दीपिका पादुकोन्स कलेक्शन इज ऑल्सो ऑल राइट. देन सो ईजी ब्रांड बाय सोनाक्षी सिन्हा इज वेरी वेरी गुड. थम्स अप फॉर दैट. एंड द वे उन्होंने मैनेज किया, मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट किया और चीज़ें यू नो मुझे बताई उन्होंने कि यू नो बहुत सारे ऑर्डर्स एंड ऑल दैट. सो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि हाँ वील गेट बैक टू यू और ईमेल अस, ऐसा नहीं लगा. सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. लाइक दे एक्चुअली ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन इट टू मी. देन देर वॉज सैफ अली खान का ब्रांड हाउस ऑफ पटौदी. दैट वॉज ब्रिलियंट, मुझे बहुत अच्छा लगा, कलेक्शन अच्छी लगी एंड एवरीथिंग वॉज फाइन. सो आई थिंक इट्स द ओनली नुश ब्रांड जिसने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट, काफ़ी डिसअपॉइंट किया है. अदरवाइज इट्स ऑल गुड. एंड सबके ब्रांड्स के जो हाँ जो भी लिंक्स होंगे वेबसाइट्स एंड ऑल दैट और प्रोडक्ट्स जो मैंने ट्राई किए हैं उनके लिंक सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लेना. एंड या इस वीडियो के लिए इतना ही. आई रियली होप दैट यू गाइज एंजॉयड एंड दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू गाइज इन सम वे. एंड इफ इट वॉज प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट video. Till then, bye bye, take care guys.